दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल के बारे में, यानी कि एप्पल का जो मार्च का इवेंट है जो कि कैंसिल हो चुका है। हाँ जी, वो कैंसिल हो गया है। अभी क्यों हो गया है या क्या रीज़न है, कैसे पता चल रहा है, और सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि थोड़ी डिटेल्स हमें पता है। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए चैनल पर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे टेक्सो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर इस मार्च इवेंट की, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मार्च इवेंट जो 23 को होने वाला था वो कैंसिल हो गया है। अभी कैंसिल क्यों हो गया है, क्योंकि अभी तक भी इनवाइट्स नहीं आए, यानी कि जो क्रिएटर्स होते हैं, अभी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इनवाइट नहीं आता, पर जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनके पास इनवाइट जाते हैं हर साल एप्पल के इवेंट के, जिससे कि मतलब उन्हें इन्वाइट किया जाता है कि वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं उससे। अभी पेंडेमिक के टाइम पे ये चीज़ अभी वर्चुअल हो रही थी, तो वर्चुअल इन्वाइट जा रहे थे, वरना यहाँ पर फिजिकल इन्वाइट जाते हैं और मतलब लोग फिजिकली वहाँ पर अवेलेबल होते हैं जब इवेंट होता है। तो अभी इसी वजह से किसी के पास जब यहाँ पर इन्वाइट ही नहीं गए हैं, तो इसी वजह से माना जा रहा है कि अभी तक के लिए कैंसिल है जो इवेंट है। और अगर बात करें इवेंट की, तो देखिए ये हर बार पक्का भी नहीं होता कि मतलब मार्च में होना ही है, क्योंकि जब एप्पल का मेन इवेंट होता है वो यहाँ पर सितंबर वाला ही होता है, वरना अप्रैल के अंदर WWDC होता है, तो वो तो होना है, उसका तो पक्का है। पर अभी के लिए हो सकता है कि इवेंट ना हो, क्योंकि इन्वाइट्स नहीं गए हैं, तो इवेंट शायद नहीं होगा ये वाला। बात करें कि ऐसा क्यों करा एप्पल ने, तो देखिए इसके कोई भी रीज़न निकाल सकते हैं, पर एक मेजर जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि यहाँ पर जो भी लीकर्स हैं उनकी वजह से। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि जो लीक्स आ रही हैं बहुत सारी, इससे एप्पल को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो इनकी R&D टीम है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वो बहुत मेहनत करती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट लाने के लिए। अभी बात करें सबसे पहले अगर एयरपॉड्स की ही, तो देखिए एयरपॉड्स जो आने हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक बोल सकते हैं यहाँ पर इमेजेस आ चुकी हैं कि कौन से वाले होने वाले हैं। यहाँ पर हाइब्रिड होगा, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थे और सेकेंड जनरेशन थे दोनों का मिक्स करके यहाँ पर हाइब्रिड वाले हैं, जिसमें आप उन्हें जो यहाँ पर रबर की ईयरबड होते हैं उसे लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं, बिना उसके भी यूज़ कर सकते हैं, और कंफर्टेबल रहेगा दोनों तरीके से वो। तो वो चीज़ तो अलग है, यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो और भी आने थे, एयरपॉड्स आने, यहाँ पर आपका जो आईपैड है वो आना था, एयर टैग्स आने थे, मतलब प्रोडक्ट तो काफ़ी सारे हैं जिनकी बात चल रही थी, पर अभी जब इवेंट ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे। और बात करें एयर टैग्स की ही, तो देखिए एयर टैग्स भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इतने टाइम से इसके लीक्स आ रहे हैं कि मतलब एयर टैग्स लेके आएगा एप्पल, हमें डिटेल्स पता चलने हैं कैसी चीज़ें काम करेंगी, और उससे पहले ही सैमसंग ने अपने स्मार्ट टैग निकाल दिया, तो इससे एप्पल की रेपुटेशन भी ख़राब हो गई कि मतलब इतने टाइम से एक प्रोडक्ट बता रहे हैं कि हम लेके आएंगे, इसके लीक्स आ रहे हैं, और उसके बाद कोई दूसरी कंपनी अगर लेके आ जाएगी उस प्रोडक्ट को पहले ही मतलब अपने तरीके से, तो फिर वो चीज़ इतनी ठीक रहती नहीं है कि आपको पता है वो चीज़ गलत है यहाँ पर। और सैमसंग का कोई इतना इरादा था भी नहीं, जब से एप्पल के ये यहाँ पर लीक्स आने स्टार्ट हुई थी एयर टैग्स की, तब से इनका यहाँ पर उसके बाद अचानक से टपका दिया हमारे स्मार्ट टैग आ रहे हैं, तो वो चीज़ तो थोड़ी सी आप लोग भी समझ सकते हैं, सबको पता है कि वो चीज़ कहाँ से कॉपी की गई है, क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसके लीक्स के बेसिस पर कोई दूसरी कंपनी अपने पूरे पूरे प्रोडक्ट बना देती हैं, और आपको सब चीज़ें पता है वैसे तो। सिर्फ यहाँ बड़ी कंपनी से बात नहीं कर रहा मैं, बहुत छोटे छोटे ब्रांड्स हैं वो भी ऐसा करती हैं कि सिर्फ लीक्स के बेसिस पर एक दूसरे प्रोडक्ट बन जाते हैं। अभी भी आप लोग सर्च करेंगे तो आपको iPhone 12 के यहाँ पर, 13 और आपका पता नहीं 14 के भी यहाँ पर आपको बोल सकते हैं फेक मॉडल्स मिल जाएंगे जो आपको डिलीवर हो जाएंगे विश वगैरह पे, तो वो चीज़ अलग है। पर हाँ, मेन बात यही है कि जो लीकर्स हैं उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए चीज़ें पता चलती हैं, पर यहाँ पर प्रॉब्लम भी होती है बहुत ज़्यादा इस वजह से, क्योंकि जो बेशक ये लीकर्स होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, कि जिम्मेदारी इस चीज़ की कि अपना इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहे। ट्रैक रिकॉर्ड क्या चीज़ है, कि कौन सा जो लीकर है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितने अच्छे उसके सोर्सेज हैं। अभी वो चीज़ गलत भी है और कुछ कर भी नहीं सकते उसका, क्योंकि अब कोई ना कोई तो अंदर से बताएगा, और इसी वजह से भी एप्पल ने रिसेंटली एक एक आदमी को यहाँ पर फायर भी किया था, क्योंकि वो अंदर की सारी बातें लीक कर रहा था, तो वो चीज़ है। पर अभी ये जो लीकर्स हैं इसमें भी इनका परसेंटेज होता है, जिसमें एक जॉन प्रॉसर भी है जिनका लगभग 60-70 के आसपास का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब इतनी ठीक होती है उनकी जो लीक्स होती हैं, तो अभी उनका बोल सकते हैं मजाक सा बन रहा है, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने बोला था कि अगर 23 मार्च को इवेंट नहीं होता है तो वो अपने जो आईब्रोज हैं उनको उड़ा देंगे, यानी कि उन्हें शेव कर लेंगे। तो अभी
पता नहीं वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, पर वही चीज़ है कि मतलब इतना तो कॉन्फिडेंट कोई है तो उसका मतलब अंदर से पक्का उसको कोई अच्छा लिंक है जिससे वो जिससे उसे पता चल रहा है कि हाँ सच में इवेंट होने वाला है जब उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है अपने आईब्रोज को शेव करना। तो अभी अगर वो नहीं हो रहा है तो एप्पल कुछ तो सोच रहा है कि मतलब इन्हें जवाब दिया जाए जो लीकर होते हैं कि मतलब नहीं तुम जो बता रहे हो उस चीज़ के ऊपर कंपनी नहीं चल रही है, कंपनी चल रही है जो उस पर करना है सच में। अभी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कोई फिजिकल इवेंट होने वाला है, लोग वहाँ पर कहीं एक जगह इकट्ठे होंगे, वर्चुअल इवेंट होना है, सब चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है पहले ही, बस उन्हें तो वीडियो प्ले करनी है, वो यहाँ पर लाइव जाकर उन्हें वीडियो दिखानी है हमें और इवेंट को प्रेजेंट करना है। तो वो चीज़ तो कभी भी हो सकती है, अगर 23 को ना तो आगे कभी हो जाएगी। पर ये चीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए भी है जो लीकर्स हैं कि वो लोग इतने सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ जॉन ब्रॉसर की बात नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लीकर्स हैं उन्होंने कॉन्फिडेंट के साथ बताया था कि मतलब हाँ मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि हाँ यहाँ पर इवेंट होने वाला है और 23 मार्च को होने वाला है। तो वो चीज़ को शायद देखते हुए एप्पल ने ऐसा किया है, पर अभी देखिए जो भी रीज़न हो, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि इवेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि इवेंट नहीं होगा, पर 23 मार्च को ही यहाँ पर प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ही प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा। प्रेस रिलीज़ अगर आपको नहीं पता है, यहाँ पर सिंपल एप्पल अनाउंस कर देता है, चाहे ट्वीट हो या फिर कोई आपका वीडियो हो, मतलब वीडियोस के ज़रिए भी यहाँ पर कि मतलब उनकी यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगी या उनका जो प्रोडक्ट है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा आपको, तो वहाँ पर प्रेस रिलीज़ होती है जहाँ पर वो बता देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट आ चुका है, और वहाँ पर कंप्लीट एक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता है इवेंट का जहाँ पर वो अच्छे से उसे इंट्रोड्यूस करें, उसके बारे में बताएं। तो वो सब चीज़ें रह जाती हैं, जैसे आईफोन ऐसी की बात करें तो वो भी ऐसे ही आया था, यहाँ पर उसका कोई प्रॉपर इवेंट नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनका कोई एक प्रॉपर इवेंट नहीं होता, प्रेस रिलीज के ज़रिए उन्हें बता दिया जाता है कि नया प्रोडक्ट आ चुका है अभी। तो वो चीज़ थोड़ी सी मतलब इतना मज़ा नहीं आता उसमें, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट होते हैं एप्पल के, मज़ा आता है पूरा इवेंट देखने में, मज़ा आता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जा रही है, इतने सही तरीके से सभी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी भी इवेंट हो, पर अभी थोड़ी सी होप्स कम हो चुकी हैं क्योंकि किसी को भी इन्वाइट्स नहीं आए हैं और एक हफ्ते पहले जाते हैं और अब तो टाइम ही कितना बचा है। फिर भी देखते हैं कि अभी इवेंट होगा या नहीं होगा और प्रेस रिलीज से कोई चीज़ आएगी या नहीं आएगी। पर हाँ WWDC होना है अप्रैल में और वहाँ पर नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो उस चीज़ के लिए हम वेट करेंगे और उसको भी कवर करेंगे चैनल के ऊपर। अभी अगर सब लोगों को नहीं पता है तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि मैं चाहता था कि इतने टाइम से मैं बात कर रहा हूँ लीक्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जो चीज़ें आनी हैं, तो अभी ये भी मेरा फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ को बताना कि इवेंट नहीं हो रहा है और रीज़न क्या है उसके पीछे की, जो भी चीज़ें आपको शेयर करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और कोई डाउट होगा दिमाग में तो क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बोलता हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।